अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ स्किन लाइटिंग क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये स्किन को लाइट करती है, कम्प्लेक्शन को फेयर करती है, ये इस कंपनी का क्लेम है। ये है विंसे ब्रांड की स्किन लाइटनिंग डे क्रीम, इसका नाम इंटरमिक्स है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की इसका जार है, ब्लू कलर का इसका जार है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जार यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लुक है ओवरऑल इसका। और इसकी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल लोशन जैसी है, बिल्कुल भी स्किन पर कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, काफ़ी ग्रीसी सी नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाती है, जल्दी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, ये क्रीम जो है वैसे तो स्किन को लाइट करने के लिए, फ्रे करने के लिए यूज़ की जा रही है, ये इस कंपनी का क्लेम है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकई ही कलर को गोरा करती है कि नहीं। इस वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। व्यूअर्स, फाइनली ये है विंसे ब्रांड की स्किन लाइटनिंग क्रीम, लाइटन्स दी कम्प्लेक्शन, स्किन के कम्प्लेक्शन को लाइट करती है। लाइटनिंग्स फॉर ऑल स्किन टाइप, मतलब ये वाली क्रीम जो है फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसमें अल्फा अर्बुटीन है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, SPF 20 है, मतलब इसमें सन स्क्रीन भी ऐड है, ठीक है, सन ब्लॉक टाइप भी। इसकी जो प्राइस है वो है जी 1575 रुपये। तो ये वाली मैंने अभी ही कुछ दिन पहले ख़रीदी है ये वाली क्रीम। और इसके जो इनका जो क्लेम है वो है जी, वो आपको दिखाती हूँ मैं अभी, कि ये हेल्प करती है स्किन को लाइटन करने के लिए। ये स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है और डार्कनेस को रिमूव करती है। ये स्किन को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज से, ठीक है। ये स्किन को सपोर्ट करती है, स्किन अनबिलीवेबली सॉफ्ट, ये आपकी स्किन को अनबिलीवेबली सॉफ्ट करती है और स्मूथ करती है, ठीक है। ये इनके क्लेम्स हैं। और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और हाइड्रेट करती है और ये पैराबिन फ्री है। व्यूअर्स, ये वाले सब इन्होंने जो दावे किए हैं कहीं कहीं कुछ सच भी हैं, लेकिन ये स्किन, ये क्रीम फेस पर लगाने के बाद स्किन काफ़ी ऑयली सी हो जाती है, तो आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन बड़ा डार्क डार्क से लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट सा ऑयली सा स्किन उस टाइम हो जाती है। लेकिन 2 से 5 मिनट के बाद स्किन आप में सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो फिर स्किन पे ऑयलीपन नहीं रहता, ठीक है। आपने इसलिए परेशान नहीं होना कि स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली है और स्किन बहुत ज़्यादा मैं आपको लगे कि ऑयली सी स्किन हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। ये बाद में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से और आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। व्यूअर्स, ये वैसे तो मैं इसको वाइटनिंग क्रीम पर नहीं कहूँगी, लेकिन एक अच्छा मॉइस्चराइजर कह सकते हैं इसको, एक अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम कह सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और हाइड्रेट करती है। और आपकी स्किन को सन, इसमें सनस्क्रीन भी ऐड है, तो ये आपकी स्किन को सन की रेस से भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो वाइटनिंग करती है और स्किन से डार्क स्पॉट्स को और ब्लैक एरिया को रिमूव करती है, तो वो कोई इतना खास इफेक्ट नहीं करती। अगर उसको मैं मार्क्स दूँ तो 100 में से 2% ही कह सकते हैं आप कि इतना सा ही ये सिर्फ इफेक्ट करती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था इस क्रीम का रिव्यू, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ऑनेस्ट रिव्यू था, क्योंकि विंसे क्रीम आजकल, विंसे ब्रांड आजकल हर जगह पर हर पेज पर देखने को मिल रहा है, इनके एड्स, इनके पोस्टर्स टाइप में, तो काफ़ी इस तरह से मैंने सोचा कि ना इस क्रीम का भी रिव्यू किया जाए। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं इस क्रीम का जो हैंड एंड फुट वाइटनिंग किट है, जो हैंड्स एंड फुट वाइटनिंग क्रीम है इनकी विंसे की, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर इस क्रीम को यूज़ किया है, आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी स्किन लाइटनिंग के लिए कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।